हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरिशाउ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे मुझे पता है, और एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उम्मीद है मुझे कि आप जो अपना सिलेबस जो है बहुत कवर कर चुके होंगे, और अब रिवीजन की बारी आ ही गई होगी। तो रिवीजन की बारी आ गई होगी तो हम चल क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लेके आए हैं, आज नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं इकाई एक का चैप्टर नंबर 4, जिसके एक अंक के प्रश्न है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, इकाई एक का चौथा नंबर का जो चैप्टर है वो क्या है भाई? तो भाई, हमें ये पता है कि जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, ये जो चैप्टर है वो आपको फर्स्ट यूनिट में आता है, इकाई एक में आता है, और चैप्टर नंबर 4 में है। हमने इसका मैपिंग देख लिया था, जिसमें आपको काफी हद तक पता चल गया था कि क्या क्या टॉपिक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं उसके क्वेश्चन पर। तो चलो, हम चर्चा को लेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेट करेंगे तो एग्जाम बहुत जल्दी पास आ जाएगा। तो उसको लेट ना करते हुए हम चालू करते हैं इकाई एक के कितने भी जो क्वेश्चन थे, जो एक नंबर के थे, उसको पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि कौन सा चैप्टर है भाई? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई चलो, हमें यह पता चला कि सही विकल्प में क्वेश्चन जो है कैसा टाइप आता है। तो कैसा टाइप आता है सर? किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, ऐसा इजी सी प्रश्न पूछता है। कब पूछा गया था भाई? 2018 सेट बी में पूछा गया था कि कौन सा तत्व ऐसा है जिसको स्थान नहीं दिया गया अपने आवर्त सारणी में। अब इसको बच्चा बच्चा भी बता सकता है, और अब पढ़ भी लिए होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना तो पता है भाई, हाइड्रोजन एक ऐसा था, है ना? तो हाइड्रोजन ही हो सकता सर इसका आंसर। और अरे, ऑप्शन भी दिया भी है, तो क्या इसका ये आंसर है? गेस कीजिए भाई। हाइड्रोजन ही तो मैंने डिस्कस किया था अभी भी, और मैं मैपिंग में भी बता दिया था कि हम जब डिस्कस करेंगे तत्वों के बारे में, जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठेगा। तो उसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा बच्चों। क्या होगा? हाइड्रोजन। क्लियर? तो हाइड्रोजन क्या है? आवर्त सारणी में इसको स्थान जो है निश्चित नहीं किया गया है। किसको? हाइड्रोजन को। तो ये इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा, डी, ऑप्शन डी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है भाई। क्या? कि जो आपको मेंडलीव है वो जो है कैसे व्यवस्थित किया गया है आवर्त सारणी में तत्वों को। तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। कब पूछा गया था? 2018 में ही, ए सेट में पूछा था, बी में इसको पूछा गया था, सी में कुछ और पूछा गया होगा, अभी बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। अब क्या बोलता है? अणुभार की वृद्धि के क्रम में, परमाणु भार की वृद्धि के क्रम में, परमाणु संख्या में वृद्धि के क्रम में, परमाणु त्रिज्या के वृद्धि के क्रम में। अब ऑप्शन देख के बताओ क्या होगा। अब आप देखेंगे ऑप्शन तो आपको पता चलेगा, अनुभार, अनुभार के क्रम में कोई बात ही नहीं किया था, ये ऑप्शन पहले से कर सकता है। ठीक है, अब सी देखो, परमाणु संख्या में वृद्धि के क्रम में, ये हो सकती है भाई। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये जो है फंस सकता है आपको माइंड में कि ये दोनों में से कुछ तो हो सकता है करके। क्यों? क्योंकि परमाणु भार के बारे में डिस्कशन किया गया था, कोई ना कोई साइंटिस्ट किया था, और परमाणु संख्या के बारे में कोई ना कोई साइंटिस्ट किया था, अनुभार के में डोबेराइनर सर ने भी डिस्कशन किया था, लेकिन ये जो है किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता कि होगा। क्यों भाई? क्योंकि अनुभार के ही दृष्टि से नहीं किया गया था कोई आवर्त सारणी में। वो जो क्या बताया था डोबेराइनर सर जो है वो अपना बताया था, और आपका जो अष्टक नियम जो पढ़े थे, ये सब जो पूरा पढ़ते आए हैं, तो उसमें आपने जिक्र जरूर किया है इसमें, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि इसके अनुभार जो है दो तीन जो आपके तत्व है जो यौगिक है इसका डिस्कशन करके, आप कभी नहीं बोले कि अनुभार की वृद्धि के क्रम में कोई सीक्वेंस बढ़ता है करके। तो ये पहले से कट होता है, ये दोनों कन्फ्यूजन हो रहा है। परमाणु त्रिज्या की वृद्धि के क्रम में बोल रहे हैं, परमाणु त्रिज्या कौन नापता रहेगा, कितना छोटा होता है, तो ये भी क्या होता है भाई, खत्म, ये भी कट। तो आंसर क्या होगा सर? तो देखो, ये दोनों में कोई एक ही होगा, परमाणु भार की वृद्धि में और परमाणु संख्या की वृद्धि में। तो कौन बोला है भाई? मेंडलीव। अब मेंडलीव जो है किससे पहले आया था? मोसले सर के पहले आया था। मोसले सर जो है कब आया था? मेंडलीव के बाद आया था। सर उसी उसी बात को क्यों बता रहे हो? अरे सीक्वेंस देखो, अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं उसमें परमाणु संख्या बेस्ड पढ़ते हैं। सर आप तो आंसर ही दे दिए बोल रहे हो, आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर बेस्ड है, तो ये जो मेंडलीव जो से पहले आए थे उसमें ही फॉल्ट निकाल के आधुनिक आवर्त सारणी आए हैं, तो इसमें क्या रहा होगा भाई? मेंडलीव सर जो है क्या किए होंगे? तो ऑब्वियसली बात है, वो परमाणु संख्या में बात नहीं किए होंगे, वो बात किए होंगे परमाणु भार में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? परमाणु भार की वृद्धि के क्रम में रखा गया था मेंडलीव सर ने तत्वों को। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? अब इसी क्वेश्चन को आप और दूसरे तरीके से भी देख सकते हो।
कैसे, मोसले सर ने, है ना, मतलब मोसले ने जो अपने तत्वों के जो क्या किया था, व्यवस्थित किया था आधुनिक सॉरी आवर्त सारणी में, तो किस क्रम में किया गया था, क्या लिखोगे, परमाणु संख्या के वृद्धि के क्रम में। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं क्या आधुनिक आवर्त सारणी के नियम जो है किसने प्रतिपादित किया। अब किसने प्रतिपादित किया भाई, बताओ, ऑप्शन दो सर। चलो ऑप्शन देखते हैं, न्यूलैंड ने, मेंडलिप ने, डोब्रेनर ने, या फिर मोसले ने। हम तो पहले से इसको डार्क कर दिया, मतलब मोसले ही इसका आंसर होगा। बहुत ही सरल है भाई, इस चैप्टर को हम जैसे आपको मैप बताएंगे आपको भी समझ में आया होगा ना, और अभी हम इधर भी डिस्कशन कर रहे हैं तो भी समझ में आ गया कि मोसले जो है कौन था, जो लास्ट में आपको क्या दिया भाई, आधुनिक आवर्त नियम दिए हैं। कितने नंबर क्वेश्चन था, सेट सी में पूछा गया था, क्या भाई 2018 के सेट सी में एक नंबर क्वेश्चन, इसको रिपीट भी किया गया 19 में। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, ये तो पता ही है। चलो ठीक है, मैग्नीशियम के एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब देखो प्रश्न देखो, वो पूछ कह रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 12 है, वो बता रहा है आपको। अरे भाई आपको तो पता ही है, चलो ठीक है पता है, फिर भी बता रहा है कि 12 है। अब पूछ देखो, पूछ कह रहा है मैग्नीशियम के एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एम बोला है, भूलना नहीं है, एम बोल रहा है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये एम बोल रहा है तो एम कोष नहीं होता, हम तो नहीं पढ़े, है ना, लेकिन हम जो है ये तो जानते हैं। क्या कभी आपने के एल एम एन कोष के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अरे भाई पढ़े हो, कक्षा नौवीं में क्लास नाइन्थ में हमने बात किया था, या फिर आपको पता भी होगा बच्चों, आप ये जो के एल एम एन कोष होती है, ऊर्जा स्तर होती है, इस सब का जानकारी लिए थे भाई, भूलना नहीं है। तो प्रथम की बात करूंगा मैं, तो n इक्वल टू 1 रहता था तो मैं उसको कोई k बोलता था, n इक्वल टू 2 रहेगा उसको मैं l बोलूंगा, अब n इक्वल टू 3 रहेगा क्या बोलूंगा भाई मैं, m बोलूंगा, और n इक्वल टू 4 रहेगा तो उसको मैं n बोलूंगा, कैपिटल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है सर, उसी को n को 3 बोल रहे हैं, n को 4 बोल रहे हैं, उसी को n है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ तो क्या बोला मैं, अब m को पूछ रहा है मतलब n बराबर 3। अब मैं बात करूं क्या, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, मैग्नीशियम के एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो भाई परमाणु संख्या कितना है, 12, किसकी, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है भाई, 12। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता ही होगा, अच्छा ऑप्शन तो दिया नहीं हूं, अरे ऑप्शन देख लो भाई, ए 2 है, बी 8 है, सी 10 है, डी 9 है। चलो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये जो कोस है आपको पता है के एल एम एन जो चलता है सीक्वेंस, है ना, तो आपको क्या पता है कि इसका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, पता है कि नहीं भाई, पक्का पता है ना। चलो नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं, जिसका कोस है सीक्वेंस देखो भाई, के एल एम एन का जो कोस है एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू, एन इक्वल थ्री, एन इक्वल टू 4, ये सीक्वेंस बढ़ाता जाता हूं मैं, कोस उपकोस उपकक्षक ये सब जानते होंगे, कक्षक सब पूरा पढ़ क्या है, पढ़ क्या है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, कक्षा नवी की बात है ये, है ना, कक्षा नवी में सब पूरा पढ़ क्या है, इतना मान के चल रहा हूं कि आपको आता है। अब मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तभी पता चलता है कौन सा आपके तत्व का कैसे वो आवर्त में है, कैसे वो वर्ग में खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सब जानते हो आप, बस रिकॉल करा रहा हूं आपको। अब मैं इसका 12 है, परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, कैसे करते हैं भाई, पहले तो 2, 8, 18, 32 के सीक्वेंस में चलता है बोरबरी योजना, कंफ्यूज नहीं होना, बोरबरी योजना, ठीक है। हाँ तो चलो मैग्नीशियम 12 है, कैसे करोगे बताओ, चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो पहला कोष में 2 आ जाएगा, दूसरा कोष में क्या आएगा, दूसरा कोष में देखो 12 है, 2 गया, कितना बचा, 10 बचा, दूसरा कोष में 10 आया क्या, नहीं, वो तो जानते हो आप लोग अष्टक नियम, 8 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी कोष में, तो दूसरा में 8 आएगा। अब कितना बचा, 12 में 10 गया, कितना है भाई, 2 बचा, तो लास्ट कोष में कितना आएगा, 2। पहला को क्या बोलते हो जी, n = 1 को क्या बोलते हो, k, इसको l, इसको m, तो भाई पूछा क्या गया, प्रश्न देखो
प्रश्न पूछा है कि मैग्नीशियम के एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एम में क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चों ये क्या 2। क्लियर हुआ, समझ में आया, गजब का क्वेश्चन है ये, दिमाग जो है एकदम आपको सक्रिय रखना पड़ेगा, एक्टिव रखना पड़ेगा, क्यों, ये तो कुछ भी पूछ रहा है, मैग्नीशियम के ये अगर पूछता एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या बोलते हैं, एन में क्या है 2 है, एल में क्या है 8, तीन प्रकार के क्वेश्चन बन रहा है ये, पहले को देखो एन इक्वल टू 1 में 2 है, दूसरे में ये एल के लिए भी पूछ सकता है, ये एल लिख दिया, अब क्या करते हैं आप, अगर मैं बोलूं कि ये जो है एल है बोल दिया, चलो एम को हटाकर इसको एल कर दिया, अब क्या बोलते हैं आंसर क्या होता, एल में कितना दिख रहा है 8, तो आंसर क्या होता ये होता, कब, जब ये बोलता एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है समझ में आया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना ही नहीं है आपको, क्यों सर इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए हो आप, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूं भाई, ए टू जेड देखो, 2R2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था आपको सबसे पहले, फिर KLMN का जो आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो भी मैं बता दिया, ये सब सीक्वेंस पता चल गया आपको, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप बना सकते हो, सरल है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 10 है, उस तत्व की देखो वही रिपीट कब पूछा गया था, ये 17A में पूछा गया था, अब 17B उसी में दूसरा सेट में एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, देखो भाई अब कोई परमाणु संख्या 10 है बोल रहा है, किसका, किसी भी एटम का, और बच्चों को सबको पता है 10 किसका होता है भाई, बताओ चलो नियॉन भैया का, क्लियर, उस तत्व के एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, बताओ एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई, आंसर क्या है भाई 8 है, क्यों भाई नियॉन, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं मैं, ज्यादा लंबा ले नहीं जा रहा है इसको, एक बार बता दिया अच्छे से आपको तो समझ में आ गया होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया भाई, बताओ एन इक्वल टू 1 में पहुंचा मैं तो पता चला 2, एन इक्वल टू 2 चला तो पता चलता है कितना आएगा भाई 8 आएगा भाई, अभी कंफ्यूज नहीं होना, 1 2 क्या बोल रहे सर भाई, के एल के एक बात करूं तो 2, एल में 8, क्लियर हुआ, बस आंसर आ गया 8। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिसकी परमाणु संख्या 19 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, चलो देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, किसका, जिसका परमाणु संख्या 19 है, 2, 8, 18, 32 के सीक्वेंस चला दो भाई, बोर बरी योजना, कंफ्यूज नहीं होना, 19 2 आएगा पहले ये तो पता ही है, चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका येलो वाले पेन में लिखते हैं, चलो 19 लिख दिया, चलो भाई 2 आएगा पहले कोष में, ठीक है सर, दूसरे में क्या आएगा 8 आएगा, ये भी ठीक है, तीसरे में क्या आएगा, चल ये कितना हो गया 10 कंप्लीट कर दिया, 9 बचा, अब नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 9 आएगा क्या, नहीं, क्यों 8 ज्यादा होता च नहीं है, 8 ज्यादा होगा ही नहीं, मतलब ये क्या होगा सर, ये मैं कर सकता हूं इसको, इसको मैं कर सकता हूं 8, क्या कर सकता हूं भाई 8, अब ये कितना है 2, 8, 8 मतलब 18 हुआ, कंप्लीट करके कितना हुआ भाई 18 हो गया, अब कितना बचा जी 19 में 18 घटाओ कितना बच गया 1, तो क्या होगा 2, 8, 8, 1, क्या ऐसा ऑप्शन में है, देखो तो, अरे पहला ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर क्या है, पहला ही है, अरे आप तो सॉल्व कर लिए बच्चों, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हो गया क्लियर, इतना ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, कब आया था ये 17 के सी सेट में आया था, हो सकता है ये 23 के सी सेट में आ जाए, 23 के बी सेट में आ जाए, है ना, बी सेट में आएगा, ए सेट में आएगा, ऐसे से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि क्या है एकदम हलवा है, क्लियर, रिपीटेड क्वेश्चन भी आती रहती है ना, जैसे ये आया था तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, बस सर तो क्या कर देगा, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये है मेरा कि क्वेश्चन का जो लेवल है, जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछेगा ये 19 से, उसको अगर बोल दिया क्या वो 15 बोल दिया तो क्या बोलोगे उसको, रिपीटेड क्वेश्चन ही बोल सकते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू इसी को उठाकर दे दे, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो बिना दिमाग लगाए नंबर नहीं देती, दिमाग लगाना भी पड़ता है, और उसी दिमाग लगाने के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और आपके साथ हैं, आपको पूरा मार्क्स देकर जाएंगे, क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होती है, क्या क्या होती है भाई बताओ, समूह में ऊपर से नीचे चलोगे, अब समूह देखो ऊपर से नीचे चलोगे है ना, अब मैं तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल नहीं लाया हूं, आपको तो पता ही होगा, इतना मान के चलता हूं, और मैं मैपिंग जब कराया आपको तो मैं बताया अभी था कि क्या होती है कैसे होती है, इसको बताया था, अब
भाई ऊपर से नीचे आओगे तो धातु एक दिन क्या होती है। अब मैं बात करता हूं इधर देखो, इधर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, देखो हाइड्रोजन इधर है, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ऐसा सीक्वेंस चलता गया। फिर नीचे देखिए, नीचे जाते हो क्या पता चलता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम नीचे में आता है। शुरू में चालू हुआ था हाइड्रोजन हीलियम से लिथियम से, भाई वो तो क्या है जी, अरे भाई देखो भाई अब आपको क्या पता चलेगा, देखो मैं अगर यहां पर डायग्राम बनाऊं, ये मान के चलता हूं मैं ऐसे होता है, ठीक है चलो ये ऐसा रहता है। अब ये हाइड्रोजन से चालू होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, उसके बाद इधर देखते हो ये सब है क्या है भाई, डी ब्लॉक के तत्व रहता है, डी ब्लॉक के तत्व, इसको क्या बोलते हो जी, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हो, इसको पी ब्लॉक के तत्व बोलते हो। अब पूछ क्या रहा प्रश्न, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होती है, न तो बढ़ता है न तो घटता है, बढ़ता है घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, चार ऑप्शन है। तो हमने डिस्कस किया था और आपको पता ही होगा, या फिर नहीं भी पता तो भी याद रखिए कि क्या होती है जब समूह में आप आते हो ऊपर से नीचे, तो उसका जो वो क्या है, उसका नेचर है वो क्या होता है, बढ़ता है ऊपर से नीचे आओगे तो, और नीचे से ऊपर जाओगे तो घटेगा। अब ये बात हुई थी धात्विक गुण की, अगर मैं पूछूं अधात्विक गुण की तो क्या होगा, अधात्विक गुण जो है यही प्रश्न पूछा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण अधातु का नेचर क्या होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा घटता है आएगा, लेकिन इसका धातु पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा, बढ़ता आएगा। क्लियर समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये जरूर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जरूर कोई साल नहीं पूछा, ये भी पूछ सकता है, इसको दो तीन तरीके से पूछ सकता है। ये बोल दिया कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण होती है, अब ये बढ़ता है का ऑप्शन भी दिया रहेगा, बढ़ता है घटता है, न तो बढ़ता है न तो घटता है, यही रहेगा, क्या करोगे उस टाइम में, ये टिक करोगे इसी क्वेश्चन को। और दो नंबर के प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्या होती है जब समूह में मैं ऊपर से नीचे चलता हूं तो अधात्विक गुण में क्या होती है, धात्विक गुण में क्या होती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ अब देखो चलो, आधुनिक अर्थ सारणी में वर्गों की संख्या है, अब बताओ ये तो इस चैप्टर का नाम ही है, अर्थ सारणी ही है, उसको जानना ही है, तो इसको तो बता ही पाओगे क्या होगा भाई, आप बता ही देंगे, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप बना ही लियो आंसर, ठीक है। आधुनिक अर्थ सारणी में वर्गों का संख्या है, बताओ भाई देख लो है वर्गों की संख्या, काउंट करना है, एक दो तीन चार पांच जाओगे अंत तक 18 मिलेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोथर मेयर का वक्र बना था, कैसे बना था भाई, लोथर मेयर का वक्र कैसे बना था, किसके किसके बीच बना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बताओ भाई। अगर मैं बात करूं सर, ये लोथर मेयर जो बोले थे, लोथर मेयर सर जो बोला था कि वक्र जो बनाए थे वो किसके किसके बीच में है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना था जो डायग्राम में बुक में दिया गया है, या फिर आपको मैं बता दूं, आपको ये याद रखना, मैं अच्छे से बता दूं कि जो ऐसा ग्राफ बनेगा, अभी मैं ग्राफ दिखाने वाला हूं आपको, उसको आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा है भाई, इस ग्राफ में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है एटॉमिक वॉल्यूम, इधर देखो एटॉमिक वेट। अब मैं यहां बोल रहा हूं एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम बोलते ही आपको पता चल गया क्या, वॉल्यूम मतलब आयतन, एटॉमिक मतलब परमाणु, परमाणु आयतन, इसकी बात है। एटॉमिक वेट परमाणु भार, मतलब आंसर क्या हो रहा है भाई, परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य, क्लियर। तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ये दो नंबर में पूछ सकते हैं, चार नंबर में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को पूछ सकता है, पूछा भी जाएगा, फिर पूछा भी है ना। तो चलो भाई ये सोच के चलो कि ये क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लोथर मेयर के बारे में और जब चार नंबर क्वेश्चन में चलूंगा तो मैं और डिस्कस करूंगा भाई। तो देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ऊपर दिख रहा है, सबका नेचर सेम होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये जो सिक्वेंस दिख रहा है, लोथर मेयर का अच्छा समझा दूंगा आपको, और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो, ठीक है। तो ये समझ में आया प्रश्न, समझ में आया ये एमसीक्यू कैसे आया था, सही विकल्प हमें समझ में आया, आगे बढ़ू, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अब ये कैसे पूछा जा सकता है, उस पर चलते हैं। तो यहां तो समझ में आया बच्चों, चलो देखते हैं भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति में। देखिए पहला क्वेश्चन, ब्रोमीन खाली स्थान अवस्था में मिलती है, छत्तीसगढ़ 2017 में पूछा गया था। ब्रोमीन क्या है भाई, 17 समूह का तत्व है, ठीक है सर ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन कौन सा अवस्था मिलती है, दिमाग लगाओ,
भाई उसमें जो रहने वाले है बाकी लोग किस अवस्था मिलती होगी वैसी मिलता होगा। चलो ठीक है, तो ये कौन से 17 वर्ग की बात करूं मैं, 17 वर्ग की आपको याद ही होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जिसको हम अक्री गैस बोलते हैं भाई, वही वाला सीक्वेंस दिख रहा है ये। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब पूछ रहा है ब्रोमीन किस अवस्था में, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन देखो क्लोरीन कॉमन लगता है, क्लोरीन कौन सा अवस्था में थी, क्लोरीन का विलयन लिया कि क्लोरीन क्लोरीन गैस मुक्त किया, बताओ क्लोरीन गैस मुक्त किया, तो फ्लोरीन भी गैस में रहता होगा, क्लोरीन भी रहता होगा, ब्रोमीन भी रहता होगा, आयोडीन भी रहता होगा, है ना, उसी वर्ग की बात है। तो अगर वैसी है तो क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये क्वेश्चन ही क्यों पूछ दिया, अगर ये क्या अवस्था में गैसीय अवस्था में है तो कुछ तो क्या है भाई, कुछ तो इसमें लोचा है सर, और लोचा ये है कि ये जो है बेचारा काम करता है अपवाद का, बाकी गैसीय अवस्था में रहा है लेकिन हम तो रहेंगे अपनी मस्ती में, कैसे हम रहेंगे, क्या हम रहेंगे द्रव अवस्था में, क्या रहेंगे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था। कैसे याद रखोगे, ये प्रश्न पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है ये सोचकर आप क्या करोगे भाई, उस कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश करोगे कि क्वेश्चन क्यों दिया है, और मुझे क्या पता है ये ब्रोमीन जो है 17वें वर्ग के तत्व है, चूंकि बाकी तत्व गैसीय अवस्था में तो ये पूछा गया तो ये पक्का गैसी होगा ऐसा लग सकता है, लेकिन दिमाग लगाना कि अगर ये वैसी सीक्वेंस में है तो ये पूछा नहीं जाता, मतलब पक्का ये अपवाद दिखाता होगा, या तो फिर कुछ रीजन होगा या फिर कुछ स्पेशल इसमें गुण होगा, तो पता चलता है कि ये द्रव अवस्था में होती है। क्लियर हुआ, ऐसा अप्रोच करना है आपको, क्लियर। चलो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह, लड्डू क्वेश्चन, कितने समूह है भाई, बच्चा बच्चा बोलेगा क्या भाई, कितने समूह है 18, आवर्त कितने हैं 7, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, 2022 में ही पूछा गया, बताओ 2022 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, शून्य वर्ग में रखे गए तत्व तो क्या कहते हैं, अब बीज बोला ये कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है बताओ भाई, सर ये ब्रोमीन है भाई, मैं ब्रोमीन नहीं पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा हूं कि ये देखो ये वर्ग जो है ये कौन सा वर्ग कहा जाता है भाई, चलो मैं ही बता देता हूं आप लोग को, अक्रिय गैस बोलते हो, निष्क्रिय गैस बोलते हो, तो अक्रिय गैस देखो शून्य वर्ग में रखे गए तत्व को अक्रिय गैस बोलते हो, तो क्या बोलोगे, अक्रिय तत्व, आंसर क्या आएगा, शून्य वर्ग में रखे गए तत्व को अक्रिय तत्व कहते हैं, निष्क्रिय तत्व कहते हैं, क्लियर, इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, जो भी लिखो सही होगा, अक्रिय निष्क्रिय भी लिख सकते हो, क्लियर, समझ में आया। कब पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, इजी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, बहुत ही इजी। ठीक, डी ब्लॉक के तत्वों क्या कहते हैं, याद रख लो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, फिर से बता दो भाई, लड्डू क्वेश्चन, भैया मोशले ने दिया था, किसने, मोशले सर ने दिया था, क्लियर। कब पूछा गया, 22 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, हाँ मजेदार क्वेश्चन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, कक्षा 9वीं के बच्चे लोग बता देंगे, आप नहीं बता पाएंगे, तो सर हमें क्यों ऐसा बोल रहे हो कि हम नहीं बता पाएंगे, हम तो अच्छे पढ़ के आए हैं, ऐसा बोल सकते हो आप समझ सकते हो ऐसा, तो बताओ आंसर, तो आंसर सोच लीजिए, मन में आया होगा क्या, 2n2, जो कि कक्षा 9वीं से पढ़ते आओ भाई, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 2n2। अभी कैसे भाई, चलो n = ले लिया मैं, क्या नेक्स्ट चलू मैं, n = क्या लिया मैं, n = ले लिया 2, चलो तो n = 2, दूसरे नंबर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2n2 से निकालू मैं, पता चलता है 2 × 2^2, 2 × 2 = 4, 8, तो भाई दूसरे कोष में कितना होती है, 8 होती है, क्लियर। ठीक, देखो ऐसे अब बोलोगे भैया मैं बता ही देता हूं, सोडियम 2, 8, 1 होती है, क्यों, 11 होता है परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसके अधिकतम दूसरे नंबर के कोष में कितना होगी, n बराबर अगर 2 बात करूं तो 8 होगी, तीसरे में कितना होगा फिर अधिकतम, देख लो 2n2, ठीक है, 2 × 3^2, चलो देखो कितना हो गया, 2 × 3^2 मतलब 9, अधिकतम कितना हो सकती है, 18, क्लियर, अगर एंडिंग हो तो, लेकिन बोरबरी योजना बोलता है कि कोई अंतिम जो कोष है क्या होती है भाई, कोई भी जो कोष है वो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये सीक्वेंस बढ़ता जाता है, ये जो है कंडीशन 2n2, ये धीरे धीरे करके चलता रहता है, क्लियर। आगे बढ़े, चलो इसी में आप दिमाग नहीं खपाते क्योंकि
एक क्वेश्चन आपको कर लिए और ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 2n² के फार्मूला बस आपको याद रखना है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, छठवें आवर्त में कितने तत्व रखा गया है। छठवें आवर्त पीरियडिक टेबल नीचे से देखो, पहला 1, 2, 3, 4 आवर्त। आवर्त मतलब क्या, ओरिजेंटल लाइन जी, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हो आप, समूह बोलते हो। आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, छठवें नंबर में जाओगे नीचे से देखोगे दूसरा नंबर, नीचे से दूसरा, ऊपर से छठवें, क्या है भाई उसमें। सर कुछ भी रहे हमें कुछ मतलब नहीं, उसमें ये बताओ कि उसमें कितने तत्व है, काउंट करके देखना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कितने तत्व है। मैं बताऊंगा नहीं, इतने ही लड्डू क्वेश्चन है। अब ये चलो दिमाग लगाओ, कैसे टाइप क्वेश्चन लगा आपको, हेलो क्वेश्चन लगा, इतने ही हेलो क्वेश्चन आता है, इसी से ही क्वेश्चन आएगा, इसी को रिपीट किया जाएगा, इसी को ही क्या बोल देगा। आज ब्रोमीन की बात किया है, ठीक है, ब्रोमीन खाली समावस्था में मिलती है। अब यही बोल दिया कि ब्रोमीन का, देखो ब्रोमीन जो है किस आवर्त में, सॉरी किस समूह में पाया जाता है, इसी को देखो, समय बोल रहा है ब्रोमीन किस वर्ग में पाया जाता है, बताओ भाई क्या आएगा। सर बताने की जरूरत नहीं है ना, चलो अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान, देखो ये इतना लड्डू क्वेश्चन ऐसा आतच है और बनाना ही है आपको और बना के ही आओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर। भाई सर अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि पढ़े नहीं हो, पढ़ लिए हो, अभी बोल रहे भरोसा है, भाई अब तो पढ़ ही लियो ना, समझ रहे हो ना, हमने शुरू में बोला था कि कक्षा 9वीं का चैप्टर है आप भूल रहे हो करके, इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं है, अब तो याद आ गया, भूल रहे हो उसको हम तो याद कराने का हमारा काम ही है, तो क्लियर हुआ। तो अब ये समझ सकता हूँ मैं कि आपको इस चीज़ पूरा लड्डू क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल था उसको मैं बता भी दिया हूँ, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है PYQ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ऐसा टाइप आ सकता है बच्चों। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आई। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, जो MCQs है ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जो आपका फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक वो जो है बहुत ही सरल है, और जिसको हमने कर लिया है, जो कि एकदम क्वेश्चन जो है ज्यादा टफ नहीं रहता, ये जान गए हम, इसमें ज्यादा सही विकल्प आने की चांस नहीं रहता जो आप मैच करते हो उसको, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है जनरली क्या देते हैं, इसमें दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक और MCQ में, अगर सही विकल्प में भी दें तो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसी क्वेश्चन को उसमें दे दिया जाएगा बच्चों, घबराना नहीं है। आप करा नहीं रहे सर ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है, यही जो पैटर्न है वो चलता रहता है बच्चों, क्लियर। तो चलो मैं बात कर रहा था एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के हमारे, तो बच्चों हमने आपके लिए जो लाया है स्पेशली ये चल ही रहा है, बस आप जुड़िए हमसे और अपने दोस्तों को बताइए, आपके आसपास में जितने लोग हैं उनको हमसे अवगत कराइए कि हमारा जो सेशन है, जो हमारा सीरीज है, वो सब चीज चल रहा है, हम हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, PYQs चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, माइंड मैप कर रहे हैं, और हर चीज आपको दे रहे हैं बच्चों, ग्रुप इन से क्वेश्चन पूरा एनालिसिस डिस्कशन हर चीज कर रहे हैं, हमारे सभी फैकल्टी इस पे लगा हुआ है बच्चों, है ना। तो आप हमसे बिल्कुल जुड़े रहिए, आज के लिए इतने ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम करेंगे 2 अंक की तैयारी, फिर करेंगे 4 अंक की तैयारी, फिर इस यूनिट से, इस चैप्टर से टाटा बाय बाय कर देंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।